इरा ने गलती से अखिलेश की नसबंदी कर दी। मोटा भाई, इरा की गलती की वजह से अखिलेश की शादी टूट गई। इरा ने खुद अपनी आंखों से अखिलेश को देखा, लड़की के पिता के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाते हुए माफी मांगते हुए भीख मांग रहा था वो, लेकिन वो लोग मंडप से रिश्ता तोड़ के चले गए। अखिलेश के फोटो के साथ में पूरे शहर में पोस्टर लगाए गए नसबंदी के। उस बेचारे की नौकरी चली गई, पूरा शहर हंस रहा था उसके ऊपर। इरा ने बहुत कोशिश की कि उसका नसबंदी का रिवर्स ऑपरेशन हो जाए, पर मोटा भाई कुछ महीनों तक ये नामुमकिन था। उसकी मां ने बिस्तर पकड़ लिया, खाना पीना छोड़ दिया। इरा की गलती की वजह से वो मर जाने वाली थी। मोटा भाई, इरा जो कुछ भी कर रही है ना, अपनी गलती के प्रायश्चित के लिए कर रही है। मोटा भाई, अंदर जो कुछ भी चल रहा है ना, वो सब झूठ है, दिखावा है, नाटक चल रहा है। कोई सच्ची की शादी नहीं हो रही है अंदर। ये एक कोशिश है कि उस लड़के की खोई हुई इज्जत वापस मिल जाए। इस शादी से दोनों को थोड़ा टाइम मिलेगा ताकि इरा अखिलेश के लिए रिवर्स ऑपरेशन का पैसा जमा कर सके। जरा ठंडे दिमाग से सोचिए मोटा भाई, इस वक्त इन हालात में शादी के अलावा कोई चारा नहीं था। ठीक है, मैं तेरी बात मान लेता हूँ, पर तू भी सोच कि ये शादी ब्याह कोई गुड्डे गुड्डी का खेल है कि आज किए और कल तोड़ दी। अरे मैं अखिलेश की माँ से मिल चुका हूँ, मुझे पता है वो कैसी है। एकदम छोटे गामड़े की छोटी सोच वाली औरत है वो। वो अपनी इरा की जिंदगी तबाह करके रख देगी ना। मैं अपनी आंखों के सामने हवन में अपनी बेटी की चिता को जलते हुए नहीं देख सकता। तू बुला इरा को, सब चलो यहाँ से, कोई शादी वादी नहीं होगी। पापा, इरा, अम्मे माँ, मेरी पीठ पीछे तूने ये दुल्हन का जोड़ा भी पहन लिया।